हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्रिन व्लॉग्स। सो आज का व्लॉग होने वाला बर्थडे व्लॉग, जो हमारी छोटी सी जान है शायान, आज उसका बर्थडे है। लाइक उसकी फन या बर्थडे पार्टी है। सो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, बट रेडी होना बाकी है, ड्रेसअप होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो मैंने सोचा कि आज इसका व्लॉग लिया जाए, तो व्लॉग लेते हैं एंड देखते हैं कैसा व्लॉग टर्न आउट होता है इतने दिनों बाद। सो स्टे ट्यून्ड। तो मैंने यहाँ पे लेंसेज वगैरह सब पहन लिए हैं। मैंने गार्नियर का विटामिन सी जो है सीरम वो लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी पॉन्स का मॉइस्चराइज़र बेस रेडी करने। मुझे इतना हैवी मेकअप नहीं करना है, सो लाइट पे जाते रहे, मतलब लाइट मेरी थोड़ी ऑयली स्किन है, तो प्राइमर ये जो मेरा कैमरा मिल रहा है फ्लफी, मेरी बिल्ली का कमाल है। मैं फाउंडेशन को स्किप करके मेरी क्रीम लगाती हूँ। मेरी बस पुरानी और ये कंसीलर है मेबेलिन का, सो ये लगाते हैं। ओ शिट, स्पॉन्जिंग है, मेरे घर का स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो ये मेबेलिन का कंसीलर है M25 शेड 25 मीडियम, मेरे को उतना है। बिना बीबी क्रीम के भी अच्छा लग रहा है, बट बीबी क्रीम लगा लेते हैं। तो मैं फोर साल भी लगा नहीं, इतना सीखा पूरे में भी फैला लिए। सो ये हो गया था, मतलब हैवी नहीं लगता, ऐसा लगता भी नहीं कि अपने कुछ ज़्यादा ओवर किया है या कुछ भी। सो जो होगा अभी ब्राउज करेंगे ड्रॉप्स। कैमरे में अरे सॉरी कैमरे में नहीं देखते, मुझे मेरा देखना पड़ेगा, मुझे अपने आईब्रोज सेट करना है। ये लाइट होगा, मैंने डार्क कर दिया थोड़ा ज़्यादा। शर्ट को न्यूट्रल रखना है, लाइक न्यूड में रखना है मुझे जैसा। सो ब्राउन, लाइक ये ब्राउन और या ये ब्राउन और ये तीनों में से कुछ शिमर भी करते हैं यार। मैं तो मेकअप को कुछ आपको मिलती हूँ कि तुम जो बहुत हाई लैशेज देख सकते हो, पूरे नेचुरल है विद दिस मस्करा। स्काई हाई, हाई स्काई के स्काई हाई कुछ है बता दी। इट्स स्काई हाई मस्कारा लैश सेंसेशन मेबेलिन का है। सो ये मेरा मस्कारा हो गया लगा के एंड इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। अभी ब्लश लगाते हैं, ये शुगर का है।
थोड़ा ज़्यादा ही ब्लश लगाऊंगी क्योंकि वो फिर स्वेट से निकल जाता है। नोज पे थोड़ा टू फास्ट क्यूट ब्लश हो गया। अब हाइलाइटर मुझे बहुत ऐसे कुछ तो हो रहा है पता नहीं। हाइलाइटर लगा लेते हैं इसका, ये वो शुगर के पैलेट में है। अच्छा हाइलाइटर है बहुत। इधर लगाएंगे nose, chin, cheeks, बहुत natural लगता है ये। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे, मुझे बहुत पसंद है ये, मतलब ऐसे हाईलाइट करना इनर कॉर्नर्स को। ब्राउन लगाओ कि कौन सा लिपस्टिक लगाओ, लिपस्टिक अच्छी लग रही है। सो ये लिपस्टिक है ग्लैम 21 की, जिसके अंदर लिप लाइनर और लिपस्टिक का मतलब कॉम्बो सेट आता है। इतनी बेस्ट है ना, चाय का शेड है, इट्स कॉल्ड चाय। अच्छा लग रहा है और क्या बाकी रह गया। आउटफिट चेंज करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा आउटफिट आपको बाद में देखने मिलेगा क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती पीछे से मेरा आउटफिट। अभी मेरे बाल सूख गए, उसके बाद मैं हेयर स्टाइल करूँगी या तो फिर ओपन रखूँगी, देखती हूँ कैसा क्या है एंड हाउ आई एम लुकिंग, कैसे लग रही हूँ मैं मुझे बताना एंड देखते अभी। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से, मुझे अपने बाल समझ में नहीं आ रहे मैं क्या करूँ। अभी थोड़े वेट है बट मैं शायद ओपन रखूँगी या टाइप करूँगी, आई डोंट नो। तो अभी सर्जरी रेडी हो रहा है सो उसके बाद हम लोग निकलेंगे जिधर वेन्यू है वहाँ पर एंड मैं आपको आगे का सब बताती हूँ। एंड गाइस दिस इज़ माई आउटफिट, थोड़ा मेरा मिरर ख़राब रहेगा, ब्लर दिखता रहेगा बट सो दिस इज़ माई आउटफिट, कैसा लग रहा है बताना। एंड मैंने बहुत मिनिमल रखा क्योंकि बर्थडे पार्टी है। सो अभी हम निकल चुके हैं, लाइटिंग थोड़ी लो है क्योंकि हम लोग अभी कार में और ये पीछे कार के अंदर कार है एंड सर्जिल भी रेडी है, सर्जिल ने उसके बर्थडे का आउटफिट पहना है बर्थडे में
सो चलते हैं वेन्यू पर, देखते हैं क्या है क्या नहीं. 6 बजे का तो टाइमिंग था, अभी कोई नहीं फंसे. और ये जो नया ब्रिज बना है मीरा रोड में, वहाँ पर इतनी ट्रैफिक ऊपर क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एंड ऐसे पूरी गाड़ी हिल रही है, क्यों ऐसे सर जी? होता है नया ब्रिज है ना, पलता है वो. फाइनली आज, हाँ आशीष भाई है ना, आया ही नहीं है कोई अभी तक, हम भी फर्स्ट है. मारे क्यों? मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा बाहर गए, मम्मी नहीं आए. तो अकेला हो? नहीं. तो कौन आया साथ में? दादी है. दादी कहाँ पर है? वहाँ बैठे. दादी का नाम क्या है? शाइना. दादी की उम्र क्या है? 50 से ऊपर होगी. अच्छा, दादी का फेवरेट फूड क्या है? यार छोड़ो यार, इस बच्चे के लिए जोरदार ताली यार, इसके बहुत सारे जवाब दिए. मेरा तुझे एक गिफ्ट मिलता है. 7% लोएस्ट बैटरी परसेंटेज गाइस, 7% इससे कम है क्या कोई? एक बार यहाँ रुकना, मैं पीछे चेक करके आता हूँ. यार लोग वैसे भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आप, आपका शर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सर आप लोगों की बैटरी परसेंट चेक कर सकता हूँ? किसका लेके आया भाई? 79 है, बहुत ज्यादा है भाई. आप फोन में करते क्या हो? तो इतनी कम बैटरी कैसे है? चार्ज नहीं करता. आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, इसलिए बैटरी नहीं है. होती तो क्या होता? फुल चार्ज होता ना. होती तो कैसी होती वो? सोचा नहीं है. अच्छा आपकी उम्र कितनी है? 21. लड़की ढूंढना चाहते हो? नहीं. क्यों? मन नहीं है. क्यों मन नहीं है? आपकी मम्मा कहाँ है? पापा? पापा भी घर पे. तो कौन आया साथ में? मैं अकेला आया हूँ. नाबालिग उम्र में ऐसे अकेले ढूंढ रहे हो? अकेले ढूंढना चाहिए नाबालिग उम्र. वैसे ही मैं जोरदार इसके लिए. कमल एवरीवन, we have a winner. आज मेरे पास ये बेटी है और इतने सारे लोग
जो मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को दुआएं देने आए हैं. थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट. थैंक यू सो मच. भाभी जान, काफी लोग पूछ रहे कि आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी. तो मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे PCOS हो गया था, लाइक PCOD, PCOS, इवेंट्स एनीथिंग. सो इसमें ना गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक मेंस्ट्रुएशन, मतलब रेगुलर नहीं होते, वेट गेन होता है, फेस पे बहुत ज़्यादा ऐसे बाल आ जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बॉडी में चेंज हो जाता है. तो मैंने चेकअप करवाया था 1 साल पहले, तो मुझे PCOS बताया था. तो डॉक्टर सन्ना है, वो इधर हम लोग मीरा रोड में है, छोटा सा क्लिनिक है, बट शी इज़ द बेस्ट. उसने ही मुझे पूरा ट्रीटमेंट दिया था. ज़्यादा मेडिसिन्स नहीं थी, लाइक 2 से 3 टैबलेट थी. हाँ, वो भी मैंने कितना 7 से 8 महीना खाया रहेगा. उसके अंदर कोई वेट लॉस का नहीं था. वेट लॉस मुझे हेल्दी तरीके से करना था, लाइक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि डोंट गो फॉर द सप्लीमेंट्स ऐसा थी. तो उन्होंने मुझे कोई मेडिसिंस नहीं दी थी सिवाय हार्मोनल बैलेंस के और मेंस्ट्रुएशन आने के, ये सब दवाइयाँ दी थी. उसके अलावा एकदम क्लीन डाइट, लाइक क्लीन मतलब कोई जंक खाना नहीं, कोई ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट नहीं, ज़्यादा ऐसा मैदा नहीं, ज़्यादा बेकरी आइटम्स नहीं. तो वो सोच समझ के ऐसा खाना पड़ता था. एंड मैंने एकदम ही जंक फूड बंद कर दिया था, लाइक मैकडोनल्ड्स, पिज्ज़ा, ये वो सब कुछ बंद कर दिया था. अभी भी मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से वेट गेन करती हूँ तो मुझे PCOS आने का चांस है. बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे नहीं है PCOS, क्योंकि मैंने रिपोर्ट करवाया था 3 से 4 मंथ्स पहले, तो मुझे नहीं था, पूरा क्लियर था, लाइक अच्छा था. तो अगर आप वेट गेन करते हो तो आपको फिर से आ सकता है. अगर आप वेट लॉस करते हो, मतलब एकदम नॉर्मल वेट में रहते हो, जो आपकी वेट रहनी चाहिए आपके हाइट के, आपके एज के हिसाब से, तो वैसे कुछ नहीं होता. और अगर PCOS में किसी किसी को वेट गेन भी होता है, किसी किसी को वेट लॉस भी होता है. सो गर्ल्स, थोड़ा संभाल के खाया पिया करो, लाइक एकदम जंक मत खाया करो. मैं बहुत जंक खाती थी, बहुत जैसे कि आप लोग देखते ही रहोगे कि मैं कितना बाहर का खाती थी, कितना बर्गर. मैं मतलब बर्गर वगैरह के बिना वैसे रह नहीं पाती थी. लेकिन अब हम महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, पता है 1 साल से, हाँ कम हो गया, एकदम कम. सो बस यही था. अगर आप लोगों को कुछ है चेकअप कराना तो आप डॉक्टर सना के पास जा सकते हो. मैं शायद उनका वो एड्रेस और नाम सब डाल दी थी इसमें. सो वो लेडीज़ है, मतलब फीमेल डॉक्टर है, तो लेडीज़ को कंफर्टेबल होगा उनसे बात करना एंड एवरीथिंग. सो मैं उनका मेंशन कर दूँ. हम आ चुके हैं घर और हमारा फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया. और अभी हम लोग आए घर पर. एंड आप लोग हमारे बच्चे शयान को बहुत सारी दुआएं देना. और ये था आज का व्लॉग, होप सो अच्छा लगे. मैं इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, आप लोगों को दिखा होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. इंशाल्लाह मैं और व्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँगी. ठीक है, बाय.